अगर आपको अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करनी है मगर किचन में एक घंटा बिताने का ना टाइम है और ना मन, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे 6 स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज। इनमें क्या खास है ये सभी 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। जब आप ऐसा ब्रेकफास्ट खाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में चली जाती है, लेकिन जब आप ऐसा ब्रेकफास्ट खाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से कितनी ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे और दिन में नींद और आलस आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हर रेसिपी में आपको नट्स के हेल्दी फैट्स और फ्रूट्स के अलग अलग विटामिंस और मिनरल्स मिलेंगे जो आपके पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट करके रखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एक रिच और क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड, फिर एक बहुत ही सिंपल बनाना डेट शेक। ये इतना टेस्टी है कि ऐसा लगता है कि हम ग्लास में कोई डिजर्ट पी रहे हैं। फिर एक क्रंची फ्रूट एंड नट बोल, ये आप में से उन लोगों के लिए जो सुबह बहुत एक्सरसाइज करते हैं। फिर गर्मियों का स्पेशल ठंडा और रसीला सात्विक मैंगो शेक। फिर एक नए तरह का स्मूदी बोल जिसमें मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं, हमारा नो ब्लेंड स्मूदी बोल। और आखिर में ये रंगीन चिया पुडिंग। मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया, तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली रेसिपी पर, फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए आप कोई भी अपने मनपसंद 4-5 फल ले सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन इन 4 फलों का है चीकू, सेब, आम और अंगूर। आपके पास ये फल ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दूसरे 4-5 फलों का कॉम्बिनेशन ले लें। बस ये ध्यान में रखना कि आपके पास अलग अलग वैरायटी के फल होने चाहिए, कुछ थोड़े मीठे, कुछ थोड़े क्रंची और कुछ एकदम सॉफ्ट। इन सबको छोटा छोटा काट लें इस तरह। अगर आप इनको बड़ा काट देंगे तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। टोटल में आपको चाहिए 2 कप कटे हुए फल। इनको एक बोल में डाल दें, फिर एक मिक्सी लें और उसमें डालें 1.5 कप नारियल का दूध। अगर आपको नारियल का दूध बनाना नहीं आता तो हमारे चैनल पे ये वीडियो देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने नारियल दूध बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। फिर उसमें डालें 4 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर और चुटकी भर सेंधा नमक। इसको थोड़ा सा मिक्स करके अपने फलों के ऊपर पोर कर लें। इस मिक्सचर को कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, फिर आधे घंटे बाद इसको सर्व करें। जानते हैं हम इसको फ्रिज में क्यों रखते हैं? ताकि आपका कस्टर्ड और थोड़ा थिक यानी गाढ़ा हो पाए और सारे फल अपना रस छोड़ के इस कस्टर्ड को और भी मीठा बना दे। फिर टॉपिंग्स के लिए हमने लिया है 1/4 कप पिस्ता कटे हुए, 1/4 कप किशमिश कटी हुई और थोड़े से अनार के दाने उस एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। इन तीनों को भी अपने कस्टर्ड में ऐड करें। अगर आपके पास इनमें से कुछ ना हो तो आप टॉपिंग के लिए कोई भी दूसरे नट्स ले लें। ये रेसिपी 2 से 3 लोगों को सर्व करती है। ये अपने परिवार और दोस्तों को ज़रूर खिलाएं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, हमारा सुपर इजी 4 इंग्रेडिएंट से बन जाने वाला बनाना डेट शेक। ये रेसिपी भी 2 लोगों को सर्व करती है। एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें 1.5 कप नारियल का दूध, 3 कटे हुए केले, 6 खजूर बिना बीज के और आखिर में 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर। अब बस घुमाइए मिक्सी। आपको शायद लग रहा हो, अरे लेकिन बार बार नारियल का दूध कौन बनाएगा? हम क्या करते हैं, हर तीसरे दिन एक बड़ी बॉटल बना के रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी सात्विक रेसिपीज में ये यूज होता है। इसको फ्रिज में 2-3 दिन आसानी से स्टोर किया जा सकता है। बन गया हमारा बनाना डेट शेक। अक्सर जब मुझे सुबह कहीं जाना होता है मैं इसे एक बॉटल में पैक करके अपने साथ ले लेती हूँ। अगली रेसिपी है हमारे सभी सीरियल लवर्स के लिए, हमारा फ्रूट एंड नट बोल। इसमें भरे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ नट्स और सीड्स और इसीलिए ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर छोटे बच्चों के लिए जिनकी हाइट बढ़ रही हो। इसको बनाने के लिए आप एक रात पहले पानी में भिगो दें 1/2 कप बादाम, 1/4 कप मूंगफली और 1/4 कप किशमिश। अगली सुबह अपने भिगोए हुए बादाम में से 1/4 कप बादाम एक चॉपिंग बोर्ड पे निकालें, साथ ही अपनी सारी की सारी मूंगफली और किशमिश भी निकालें, तीनों को ऐसे काट लें।
फिर इनको एक बोल में डालें और उसी में डालें एक टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, एक टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चार खजूर जिनका बीज हमने निकाल दिया था और छोटा छोटा काट लिया था, और दो टेबलस्पून गुड़ का पाउडर। अब टॉपिंग्स में हम लेंगे कोई भी तीन प्रकार के फल जो आपके पास हो। हम ले रहे हैं एक सेब, करीब 10 अंगूर और एक चौथाई कप पपीता। इन सबको हमने छोटा छोटा काट लिया। और आखिर में लेंगे आधा कप बादाम का दूध। इसको बनाने के लिए आप अपने बचे हुए भिगोए हुए बादाम को यूज कर सकते हैं। उनको मिक्सी में डालें आधा कप पानी के साथ और अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी के लिए बादाम के दूध को छानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने नट्स के साथ मिक्स करें। और ये हो गया हमारा फ्रूट एंड नट बोल तैयार। नट्स का क्रंच, फलों की जूसीनेस और किशमिश की मिठास। हमने नोटिस किया है कि इसको जब भी आप आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद खाएंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। सभी फ्लेवर्स आपस में घुल मिल जाते हैं। ये रेसिपी एक से दो लोगों को सर्व करती है। हमने इसमें यूज किया था सेब, अंगूर और पपीता, लेकिन आप जो फ्रूट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो बना के खाइए। अगली रेसिपी है मेरी पर्सनल फेवरेट, सात्विक मैंगो शेक। सीजन का जो भी आम मिले वो ले लें, मगर जितना मीठा उतना बेहतर। एक मिक्सी में डालें दो आम कटे हुए और आधा कप बादाम का दूध। बाय चांस आपका आम मीठा ना हो तो आप उसमें दो तीन खजूर भी मिला सकते हैं। बस अब घुमाइए मिक्सी। ये रेसिपी एक जन के लिए है। आप सोचेंगे कि इसका नाम सात्विक मैंगो शेक क्यों है? क्योंकि आमतौर पर मैंगो शेक में गाय का दूध और काफी सारी चीनी यूज होती है, लेकिन सात्विक लाइफस्टाइल में हम ना चीनी यूज करते और ना ही गाय का दूध। उनकी जगह हम मिठास ला रहे हैं खजूर से और दूध यूज कर रहे हैं बादाम का। इस मैंगो शेक को ग्लास में डालें और सुबह की ताजी हल्की धूप में बैठ के मजा लें इस रिफ्रेशिंग सुंदर मीठे मीठे मैंगो शेक का। छोटों से लेकर बड़ों तक पहली सिप लेते ही सबके चेहरे पर आ जाती है स्माइल। मुझे तो पसंद है इसको बोल में डालकर चम्मच के साथ खाना और इसकी एक एक बाइट का मजा लेना। अगली रेसिपी है वो जब हम तब बनाते हैं जब किचन में मिक्सी ना हो या फिर जब घर में बाकी सब लोग सो रहे हो। ये है हमारा नो ब्लेंड स्मूदी बोल। एक दिन हमारे घर में पावर चली गई थी, लेकिन स्मूदी बोल खाने का बहुत मन कर रहा था। तब हमने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी बनाएं जो टेस्ट तो उतने ही स्वादिष्ट करे लेकिन बिना मिक्सी के भी काम चल जाए। ये रेसिपी एक जन को सर्व करती है। हम लेंगे दो केले और इन केलों को ऐसे काट कर एक बोल में डाल लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे एक नया स्वाद, कैसे, दो ऐसे फ्लेवर से जो पेट में नहीं सीधा दिल को छूते हैं, सिनेमन और ककाओ। हम ले रहे हैं ककाओ पाउडर जो चॉकलेट का ही एक शुद्ध और हेल्दी वर्जन है। बाकी सारे कोको पाउडर काफी प्रोसेस किए जाते हैं और कभी कभी रिफाइंड चीनी से मिले भी होते हैं। ककाओ में मिलावट की कोई चिंता नहीं, ये अमेज़न पे आसानी से मिल जाता है और आपका एक पैकेट 4-5 महीनों तक आराम से चल जाता है। तो केले के साथ डालें आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर और एक टीस्पून ककाओ पाउडर। फिर इसी बोल में डालें एक टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, चार खजूर जिसके बीज हमने निकाल के उसको छोटा छोटा काट लिया है, और फिर आधा कप बादाम या फिर नारियल का दूध। चाहे तो आप इसमें दो और एक्स्ट्रा टॉपिंग्स भी डाल सकते हैं, एक टेबलस्पून होममेड पीनट बटर। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और 3-4 सूखे गुलाब के पत्ते यानी ड्राई रोज पेटल्स। ये दोनों चीजें ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, इनके बिना भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हो गया हमारा ककाओ सिनेमन नो ब्लेंड स्मूदी बोल तैयार। इसकी हर बाइट में आप चूज कर सकते हैं अलग अलग फ्लेवर। किसी बाइट में बनाना और जैगरी की स्वीटनेस, तो किसी बाइट में डेट्स का थोड़ा सॉफ्ट च्यूई टेक्सचर, कहीं बनाना और पीनट बटर का क्रंच, तो कहीं चॉकलेट के साथ रोज पेटल्स का हल्का सा फ्लेवर। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी और बहुत स्पेशल रेसिपी पे, जो है चिया पुडिंग। एक मिक्सी में डालें एक कप नारियल का दूध, 1.5 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, आधा केला जो अच्छे से पका हुआ हो और जिसपे ऐसे स्पॉट्स हो, ऐसा कच्चा केला नहीं,
और लास्ट में चुटकी भर नमक। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। फिर एक बोल लें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून चिया सीड्स। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। चिया सीड्स ना हो तो आप सब्जा के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस बोल में मिक्सचर पोर कर दें और इसको करीब 6 घंटों के लिए या फिर रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दें। इस दौरान चिया सीड्स फूल जाएंगे और 6 घंटे बाद आपको मिलेगा ऐसा गाढ़ा थिक मिक्सचर। 6 रेसिपीज में ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये पुडिंग आपको ज़्यादा देर तक भिगो कर रखनी पड़ती है। अब इस मिक्सचर में डालें 1 कप अपने कोई भी मनपसंद फल। हम ले रहे हैं बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, अनार और सेब। आप जो चाहें वो फल ले सकते हैं। इन सब फलों को ऐसे छोटा छोटा काट लें और मिक्स कर लें। ये हो गई हमारी स्वादिष्ट चिया पुडिंग तैयार। आप जैसा चाहे इसको वैसा डेकोरेट करें। ये ब्रेकफास्ट के लिए तो बढ़िया है ही, आप इसको अपने गेस्ट्स को डिजर्ट की तरह भी खिला सकते हैं। मैं तो इसको अक्सर पैक करके अपने साथ सुबह लेके भी जाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी सारी की सारी रेसिपीज। ध्यान रहे कि इन सभी रेसिपीज में हमने बादाम और नारियल का दूध, नट्स और सीड्स यूज करे हैं, और इसीलिए ये 6 रेसिपीज उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो एकदम हेल्दी हो, जिनको कोई बीमारी नहीं हो। अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल की मदद से कोई हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 6 दिन ब्रेकफास्ट में कोई मोनोफ्रूट खाएं, और किसी भी एक दिन आप इनमें से एक रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह हेल्दी हैं, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये रेसिपीज रोज़ भी बना के खा सकते हैं। जब आप ये ट्राई करें, इनकी फ़ोटोज़ लेकर इंस्टाग्राम पर ज़रूर डालें और हमें टैग करना ना भूलें, ताकि हम आपकी रेसिपी फ़ोटोज़ और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर पाएं, ताकि वो भी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इंस्पायर हो पाए। और अगर आप ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से सात्विक फूड बुक आज ही ऑर्डर करें। इसमें आपको मिलेगी सूप, सैलेड्स और मेन कोर्स से लेकर स्मूदीज, आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स तक की सात्विक रेसिपीज। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप जरूर अटेंड करें, जो हर सैटरडे होस्ट होती है, जिसमें आप इस लाइफस्टाइल की डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।